68वीं पुण्यतिथि है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर भारत के सबसे बड़े सपूत थे। उन्होंने देश का संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को दिया। पूरा जीवन वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। और अगर मैं कहूं कि शायद आज तक के भारत के सबसे पढ़े लिखे नागरिक थे, तो मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं नहीं जानता कोई और भारतीय जिसने इतनी पढ़ाई की हो। आपको शायद पता नहीं होगा कि उन्होंने 64 विषयों में, 64 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। एक मास्टर्स डिग्री लेने में नानी याद आ जाती है, एक एमए करने में, एमएससी करने में नानी याद आ जाती है। उन्होंने 64 सब्जेक्ट्स के अंदर मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। उन्होंने 2 डॉक्टरेट डिग्री ली थी, 2, एक अमेरिका से और एक इंग्लैंड से। इतने गरीब परिवार से वो आते थे, इतने गरीब परिवार से आते थे, उनके घर में खाने को नहीं होता था। जब वो इंग्लैंड में डिग्री कर रहे थे तो बीच में उनका वजीफा रुक गया, उनको डिग्री बीच में छोड़ के आना पड़ा, और फिर वो यहाँ पे पैसों का जुगाड़ करके दोबारा डिग्री लेने के लिए गए थे। इतना पढ़ाई को इतनी ज़्यादा तवज्जो देते थे। 2 विदेशों से डॉक्टरेट डिग्री ली थी उन दिनों में। आज की डेट में कोई बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है, कितना मुश्किल है किसी के लिए फॉरेन में पढ़ने जाना, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ने जाना आज की डेट में कितना मुश्किल है। उन दिनों में ऐसा शख्स जिसने 2 डॉक्टरेट डिग्री फॉरेन से ली थी, उनको, और उस जमाने के वो पहले डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उनको 9 भाषाएं आती थी, 9 भाषाएं, और उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। किताबों के बड़े शौकीन थे, पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी का नाम था राजगीर, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ाई को तवज्जो दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत नहीं, पूरी दुनिया उनकी कितनी कद्र करती है, ये आप इस बात से सोच लीजिए कि लंदन के म्यूजियम में आज कार्ल मार्क्स के बगल में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इतने बड़े भारतीय थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम 75वां साल मना रहे हैं आज़ादी का, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुँचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसको, इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, इसके क्रिएटिव में। 100 फुट बड़ा स्टेज बनाया गया है, बहुत ही भव्य नाटक बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन पे बनाया जा रहा है। 5 जनवरी को इसकी ये शुरू होगा, और 50 शोज इसके कराए जाएंगे, जनता के लिए फ्री होगा, कोई भी आके देख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसका प्रोडक्शन है, और शायद भारत देश में पहली कोई सरकार है जो बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए इस किस्म का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर का एक सपना था, जो जैसे वो बहुत पढ़े लिखे थे और उनको पढ़ाई की कीमत पता थी, उनका एक सपना था कि भारत के एक एक बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। मैंने कसम खाई है कि बाबा साहब का सपना मैं पूरा करूंगा। आज 70 साल हो गए आज़ादी के, अभी तक हमारे देश के अंदर गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। मैंने कसम खाई है, बाबा तेरा सपना अधूरा, केजरीवाल करेगा पूरा। ओमिक्रॉन